चलिए बनाते हैं गेहूं के आटे से बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और मज़ेदार सा नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बना लेते हैं सुबह या शाम के लिए नाश्ते की रेसिपी। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, खाने में ये टेस्टी और क्रिस्पी होगा। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कप गेहूं का आटा। इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डाल लेते हैं, थोड़ा सा डाल लेते हैं नमक। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका डो तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो हम डो तैयार करेंगे ना, वो हल्का सा हार्ड होगा, तो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना है, हल्का सा सख्त हम इसे रखेंगे। थोड़ी देर में देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आटा लग के तैयार हो चुका है। इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसका स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे ऑयल को गर्म किया है, 1 छोटा चम्मच राई डाल लेते हैं। अब हम इसमें डाल लेते हैं कटा हुआ प्याज। 2 प्याज को हमने यहाँ पर लंबे शेप में काटा है, 1 हरी मिर्च डाल लेते हैं और अब हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो प्याज को हमें यहाँ पे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हमें इसे इतना ही पकाना है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। इसे हमने करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए इस तरह से भून लिया है। हमारे ये प्याज अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसमें अब हम मसाले डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1/4 टीस्पून डाल लिया हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून डाल लेते हैं गरम मसाला पाउडर। इसे अब हम मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, मसालों को हमेशा लो फ्लेम पे ही पकाएं ताकि जो मसाले ना वो जले नहीं। अब हम इसमें डाल लेते हैं 1 उबला हुआ आलू। तो आलू को यहाँ पे अच्छी तरह से मैश करके डाल देते हैं। और आपको इस आलू को ग्रेट नहीं करना है, इसे बस हम मैश करके ही डालेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें डाल लेते हैं स्वाद अनुसार नमक। अब हमें इसे मिला लेना है। फ्रेंड्स, ये जो हमारी स्टफिंग है ना, वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इस तरह से ये जो स्टफिंग बन रही है, वो बहुत ज़्यादा चटपटी होती है और उसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो देख सकते हैं, हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसे चटपटा बनाने के लिए इसमें डालेंगे नींबू का जूस। आप चाहे तो इसमें आमचूर पाउडर या चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ कटा हुआ धनिया पत्ता डाल लिया है, नींबू का जूस डाल लेते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, नींबू का जूस डालने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि नींबू का जूस जो है ना, वो ज़्यादा पकने से कभी कभी कड़वा भी हो जाता है। तो हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है, इसे हमने साइड में रख लिया है। फ्रेंड्स, हमने डो से 1 लोई तोड़ ली है और उसमें हम हल्का सा ऑयल लगा के उसे बेल लेते हैं। अब हम इसे साइड साइड में इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे चारों तरफ से इस तरह से काट लेना है। अब जो इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है ना, उसे हम निकाल लेंगे इस तरह से, ये देखिए, और इसे हम डो में फिर से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसे काट लेना है, पर आप ध्यान रखिए, इसे हम पूरा नहीं काटेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका जो बीच का हिस्सा है ना, उसे हमने छोड़ते हुए इसे काट लिया है। ये देखिए, चारों तरफ से हमने इसे काटा है, पर बीच में हमने इसे जोड़े ही रखा है, हमने इसे बीच में नहीं काटा है। अब हम एक हिस्से में डाल लेते हैं ये स्टफिंग। तो करीब 1 चम्मच स्टफिंग हम इसमें डाल लेंगे। बहुत ज़्यादा स्टफिंग ना डालें, वरना जब हम फ्राई करेंगे तो ये फट भी सकती है। यहाँ हम एक नाइफ लेंगे और इस तरह से इसे काट लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से लाइन लाइन हम इसमें इस तरह से कट लगाते जाएंगे। और ये दूसरे तरफ भी इस तरह से हमने काट लिया है इसे। फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो नाश्ता बनता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। तो ये देखिए, इस तरह से हम उसे उठाएंगे एक साइड से और इसे इस तरह से कवर कर लेते हैं। और आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से इस तरह से सील कर लेते हैं ताकि ये फटे नहीं। तो हर तरफ से हमने इसे अच्छी तरह से सील कर लिया है। उंगली की हेल्प से आप थोड़ा थोड़ा इसमें इसे प्रेशर देते हुए, इसे दबाते हुए इसे सील कर लें। तो ये हमारा नाश्ता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हम एक एक इस तरह से इसके जो हमने काट के रखे हुए हैं ना, उस तरह से इसे हम ऐसे उठाएंगे और इस तरह से अच्छा सा डिज़ाइन बनाते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी नए तरीका का नाश्ता हमारा बन के तैयार हो रहा है। बच्चे से लेके बड़े सभी इसे बहुत ही पसंद से खाते हैं।
ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा ये नाश्ता हमारा तैयार हुआ है। बहुत ही सुंदर सा इसमें शेप आया है। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को हमें यहाँ पे मीडियम गरम करना है और इसे हम मीडियम लो फ्लेम पे अलटते पलटते बिल्कुल क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेते हैं। अति क्रिस्पी क्रिस्पी हमारा नाश्ता बनके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन ज़रूर दबाएँ।